क्या देख रहे हो? अरे नाकी देख रहा हूं कि इस शोदे से मोहब्बत करती है वो। अरे फतेह मोहम्मद, नाकी पता कराओ, नजर बिनाई ठीक है उसकी या है वही नखरा दिखाने के लिए ड्रामा करती है? ड्रामा है मेहर साहब, उसको पता है कि आप उस पे मरते हो, अब मरे को तो मारेगी ना। ओए उसे कह के मार डाले, पर इतना कठिया मशोक ना रखे। हाथ की चूड़ियां, किसी से सुना था चूड़ियों के खनकने में दिल धड़कने की आवाज आती है। शौका लेकर आया था लाहौर से। अच्छा, ओए काम करोगी या बातें? काम करो, काम टिकटिका के। देखने में कैसा लगता हूं मैं? आप पता करा लो मेहर साहब, पूरे 10 पिंडों में आप जैसा सोना कोई नहीं। और वो कमी शौका, अब फिटे मुंह जी उसकी शक्ल पर, कमियों का बाल है, सोना भी हो तो किस काम का। तो फिर घुट भर के देखती क्यों नहीं है ये मुझे? बदनसीब है सरकार, उसकी किस्मत में लिखा है गरीबी में मरेगी। सलाम सरकार। ओए गाय, ओए नाकी, तेरे पट्टे का मालक। हाँ भाई सरकार, हुक्म करें।
ना कि खरीदना है इसे मुझे पैसे बोल है जी तेरे काम करने वालियों समेत उसे बुला किसको जी वो ही हरी चूड़ियों वाली को अच्छा जी ओ जाओ ए जा जाके गाड़ी में टप्पे सुन जा ए रखिए चल चल कहाँ ओ मेयर साहब ने बुलाया है बुलाया आपने ओए जिन हाथों से किस्मत बन सकती है उनसे तो ईंटें बनाती है मतलब मतलब ये कि शीशा देखती है रोज देखती हूँ तो क्या नजर आता है ना कि शीशे के अंदर अपनी शक्ल और क्या और यही तो कसूर है तेरे शीशे का उसमें तेरी शक्ल नजर आती है नसीब लुक जाते हैं आपकी मत मारी गई है मेयर साहब शीशे में बस शक्ल ही नजर आती है ना कि एक शीशा मेरी हवेली के अंदर है कभी उसमें आकर देख उसमें नसीब पहले नजर आते हैं और शक्ल बाद में अपनी बीवी को दिखाओ ना सुने है जब से उसने देखे है नसीब सड़ गए हैं उसके किन्नी वरी आपसे क्या है रखी को दिल रखना नहीं आता पट्ठे की ईंटों से ज्यादा पकी हूं मैं शिकार करना है तो किसी और पट्ठे पर जाओ बड़ी तिक्खी है बहुत तिक्खी है एक वी का नोट दे उधार ना उधार तेरा पियो वापस करेगा तीन दिन बाद जुमे को वी की बजाय पंजी दूंगा दे दे चाची चल वे चल निकल कोई काम काज कर कमा और वी वी करके खर्च वी नहीं देगी थोड़ा किसे चाल ही लूंगा वे मर्दों वाली को गल ही नहीं है तेरे अंदर अपनी मंगेतर की कमाई खाएगा तू उसकी कमाई नहीं खाती तू भी कोई काम काज कर कमा और वी करके खर्च वो चंड मार के ना तेरा मुंह पान दूंगी मैं तेरा लिहाज करता हूँ चाची इसलिए बुड़बुड़ करती है तू वरना क्या बोल सीधी तरह बोल उधार देना है कि नहीं इंशाल्लाह चोरी हो जाने तेरे पैसे एक दमड़ी नहीं लेनी तेरे पास
सारे पिंड में मंगती फिरेगी ठूठा लेकर, मेरे पास भी आएगी, वी मंगेगी तो मैं भी यही कहूंगा तेरा प्यो वापस करेगा। ओ हाय वे चल वे चल चल ओ मासी पीछे। रखी, मुझे मेहर की नीयत ठीक नहीं लगती। मेरी नीयत तो ठीक लगती है ना, वो जोर आवर है, ऊपर से अधे पिंड का मालिक। वो अधे पिंड का मालिक है तो मैं पूरी मर्जी की मालिक। जोर आवर तो फिर मैं हुई ना, तो शौके से ब्याह क्यों नहीं करती? मैं तो करती हूँ अड़िए, वो नहीं करता। तो चूड़ियां तेरे हाथ का सेट चेक करने के लिए लाता है? मां से इट कुत्ते का वैर है उसका, वेला निकम्मा। 10 चाची से मंगी और 10 फुफड़ से, भी मुझसे ली और 3 ठग ली है। रोटी खाई पानी पिया और अगली सवेर के इंतजार में सो गया। इससे ब्याह करूं कि उसके लिए काम करूं? सो जाता है तो जगा उसको, तेरी राखी के लिए उसका जागना बहुत जरूरी है, वरना मेहर की आग का फतूर मुकने वाला नहीं। अब मिट्टी डाल इस पर। अब क्या ना, मिट्टी डाल। कमीनी है, फिर कोई टोना करा के लाई है मेरे लिए? चल रास्ता पकड़ अपना, तू बता मर जाने है, क्या है इसमें? बकरे की सीरी है। सदके की है, किसका सदका देने निकली है? अपना सदके में तेरे सदके पर, और सीरी ला तूने मेरे रास्ते में दबाई है, तो तू अपना रास्ता बदल ले, तू अपना रास्ता बदल ले हाजरा। शौकत अली को दुपट्टे के पल्लू से बंध के रखती हूँ मैं, और गंड किसी को खोलने नहीं दूंगी। गंड ना संभाल से आनी है, दुपट्टा संभाल, कोई खिंच लेगा तेरे सिर से। और रही बात तेरे शौकत अली की, तो मुझे पता है बांदर किले के साथ बंधा हुआ है। चल बोले मांग के ले आया था, वापस भी करनी।
ओए नाकी, आँख में काख की तरह फंस गई है वो। ओए जब सामने खलो के बोलती है ना, लगता है जैसे मैं कोई कमी कमीन हूं। कोई सीधी बात है फतेह ममदा, हवेली के बुए तक ले आओ उसे, 1,00,000 रुपया दूंगा नकद। कट्ठा? हाँ ये कट्ठा। दुपट्टा संभाल, बालों की लट तेरे मथे पे लटक रही है। नाकी अंदर आए, ओए दरवाजा तो बंद कर, नाकी अभी कान लगा कर सुनेगी वो। वो 1,00,000 रुपए की बात चल रही थी, भूल गई? अरे बड़ा कमीना है तू। 1,00,000 रुपया रकम ही बड़ी होती है मेहर साहब। हाँ तो फिर कोई ऐसा जतन कर ना के रखी अपने पैरों पे चल के हवेली के अंदर आ जाए। पूरा 1,00,000 रुपया तेरी जेब में डाल दूंगा, एक एक बाई तेरी। वो परजाई के मथे पर शिकन देखी है मैंने, हवेली में कोई आया जाए तो नजर आता है। और यह तेरी सिरदर्दी नहीं है वे। हवेली की लाइट ना भले तो वो कमरे से बाहर नहीं आ सकती है, और अंधेरे में हवेली में कौन आता जाता है किसी को पता नहीं चलता। वो आज तक चलिया है। तो फिर मोड़े पर हाथ फेर कर मुझे इजाजत दे, मैं 1,00,000 रुपया कमाने की मेहनत शुरू करूं। पर तू करेगा क्या? अरे वो तो पत्थर की पक्की हुई ईंट है, गलबात से नहीं टूटेगी। जितना कोई सख्त होता है मेहर साहब, उसके टूटने का उतना ही डर होता है। आप बस फतेह मोहम्मद का तेल देखें और तेल की तार देखें। सही कहा था मैंने। ओए तू है ही बड़ा कमीना। ओए अभी बड़े काम करने हैं तूने, ज्यादा पी लेगा तो कम नहीं होंगे। चल इसमें पानी डाल ले अब। बस ओए तुझे कच्ची पीने की आदत है, ये वलैती है बहुत तेज होती है, 5-6 दिन नहीं लथेगी। चढ़ा ले और मर जाएगा, एक कोई शाह में पी लेगा। ठीक है ना, चल निकल।
शौका आज नजर नहीं आया? दोपहर को आया था। फिर 20 रुपये मांग रहा था, नहीं दिए मैंने, पर गिन के 20 बद्दुआएं दे के गया मुझे वो। रोटी खाई है उसने? खा ली होगी। मतलब यहां से नहीं खाई? यहां से नहीं खाई तो क्या हुआ, चला गया होगा पुप्पी के घर। दर दर का कुत्ता है, जहां से रोटी मिलेगी वहीं जा पहुंचेगा। पीछे पीछे फिरती रहना उसके, किसी दिन बट लेगा तुझे तो पता चलेगा। कुत्ते की वफादारी रोटी मिलने तक होती है। उसे पता चल गया तो गुस्सा करेगी। मेरे हाथ की बक्की खाएगा तो तेरी मंगनी नहीं टूट जाएगी? टूट जाएगी? इस घर की कोई चीज सलामत नहीं रहनी चाहिए। बड़ा शौक है तुझे इसे अपने हाथ की पक्कियां खिलाने का? फुफड़ से कह के घर में रख ले इसको, है ना शर्म का काटा। मैंने कोई मुंदरी में नहीं परोलिया इसको। की हाल है रखिए? बुरा हाल है फुफड़ जी। हाँ शुक्र है शुक्र है। चल तेरी रोटी खवाई तेरे कम नहीं आनी हाजरा, बस उतनी पकाया कर कि किसी और के खाने की आस ना रहे तुझे। चल मुझे लगा था कि शौका रोटी खाने आया था। मर्द बन शौकिया, दर दर का कुत्ता ना बन। दो रोटियों की खैरात पे ईमान ना बेच अपना। दोपहर की एक बुर्की नहीं खाई मैंने? तेरी माँ से भी उधार मंगे थे तो कहने लगी वापस तेरा प्यो करेगा। तू बता उसकी पक्की खाएगा शौका? तू मुझसे कह शौकिया, मैं मर गई तो उससे क्या कहूं? सवेर को जाती है शाम को आती है, शाम तक 2 बारी भूख लगती है मुझे। मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई तो मैं रह गया ना कलम कल्ला। पता है क्यों मंगे भी? 60 जेब में रखे हैं, 80 पूरे करके तेरे लिए चांदी की नथली खरीदनी थी। नथली ना खरीद मेरे लिए, किसी दिन वी कमा के मेरी तली पे रख दे। शौकत अली तेरी कसम है, धरती को पैर तले रख के पीस डालूंगी। सलाम मेहर साहब। क्या बात है, तू सलाम नहीं करती? ओए सलाम करने का स्वाद मिलता है ना, कि तुझे सलाम का शौक नहीं है? स्वाद का शौक नहीं? सवाब का शौक नहीं है,
चल। तू तो बेजबान है, सुने बेजबान की दुआ लगती है। तो किसी दिन दुआ देना मुझे। भाई, खा खा। भाई नहीं, सवेरे आएगा, फजर से पहले पहले। अब आप भी खा मर ले। देखा, तू चुप करके खा। तो कोई काम काज क्यों नहीं करता? शहर चला जाओ। शहर चला जाएगा तो मेरी राखी कौन करेगा? मेरे साथ भट्टे पर काम कर। ना 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 ना। क्यों? शहर में सुना है काम काट और पैसे ज्यादा मिलते हैं। मेरा ख्याल नहीं आता तुझे। ले दस। ब्याह कब करेगा? पाँव में कल कर ले। कमा के खिलाएगा मुझे? ये बात है तो फिर पहले मुझे शहर जाने दे। इस शहर की रट बंद कर। तू भी अपना मुंह बंद कर, इन तिलों में तेल नहीं है। एक मशवरा दूं तुझे, इसको लगा अपने साथ भट्टे पर इट्टे बनवा, इससे दिमाग सिद्ध हो जाएगा इसका। बोल। पहले वादा कर, जो भी बात होगी वो तेरे मेरे बिच रहेगी। वादा। वो अपने मेहर साहब है ना? हाँ। उनका ख्याल है कि रखी को पट्ठे पर काम नहीं करना चाहिए। क्यों? वो नाजुक सी लड़की है, भोली पाली, मुंह मत्थे लगती है और लोग सब नियत के बुरे। वो चाहते हैं कि रखी हवेली में काम करे, काम थोड़ा और तनख्वाह दुगनी। अच्छा, 1000 रुपये महीने का तुझे भी मिलेगा बगैर काम किए? नहीं, काम तो करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? रखी को हवेली लेकर आना और हवेली से लेकर जाना। बस बस। और जड़ा मुकरे बेईमान। एक बारी फिर पूछ ले मेहर साहब से फतेह मोहम्मद। जो क्या है पत्थर पे ली के शौकत अली। चल चल।
अब से तेरा पट्टे पे काम करना खत्म। तूने कभी अपने आप को गौर से देखे है? नाजुक सी है तू, भोली भाली, मुंह मथे लगती है और लोग सब नियत के बुरे। हाय, मैं तो खुशी से मर जाऊंगी शौकिया। अगली बात तो सुन ले, नई नौकरी ढूंढी है तेरे लिए, काम घट तनख्वाह दुगनी, 1000 रुपया महीने का मुझे भी मिलेगा। किसने दी है नौकरी? वो अपने मेहर साहब है ना, उन्होंने। और तुझे 1000 किस बात का मिलेगा? ले, मैंने बस रोज तुझे वेली छोड़ कर आना है और वापस लेकर आना। चल अब तू मेरे सामने पट्टे वालों को जवाब दे, क्या क्या कल से तूने नहीं आना? पहले मैं तुझे ना जवाब दे दूं। दे। नहीं, हाँ भी शौकत अली, बात हुई? मेहर साहब 5000 महीने की बात कर रहे थे और मुझसे तो गुस्से ही हो गए, कहने लगे शौके के लिए सिर्फ 1000। 1000 थोड़ा है फजल मोहम्मद, कह दे उसे 2000। जा चला जा यहां से। पर तू उससे बात तो कर। बात की थी उससे तो फिर जवाब बता। बताऊं? बता। खड़ा हो जा। नेड़िया। जवाब मेरे मुंह पे मारा था उसने। यहां माफ करना मेरे साहब, मर जानी बकरियों को पता ही नहीं चलिया, माफ कर दो। तूने माफी मांगी है ना चाची, तो बड़ा दिल टूटिया मेरा, ना कि माँ जैसी है तू। मेरे सामने हाथ जोड़ेगी तो पल्ले कख नहीं रहेगा मेरे। चल खोल दे, चल खोल दे, चल खोल, चल दे प्यार, अब ओ दे प्यार सिर पे। आपको तत्ती बहाना लगे मेरे साहब। सुन जी, जी मेरे साहब। ना कि वो क्या नाम था तेरे भतीजे का? शौका, शौका। शौका, शौका। कोई कम काज नहीं करता वो, इस उम्र में लड़के कमाऊ पुत्र बन जाते हैं और नमाणी धी वो मांग दी तूने उससे, है
मंगी है मेर साहब, निकाही नहीं, मंगनी तो कच की चूड़ी होती है, जरा सा ठेढ़ा लगे तो समझो टूट गई। ना कि टूट गई? ना टूटी तो नहीं, खैर पर मेरे जीते जी तोड़ नहीं चढ़नी। अल्लाह तेरा भला करे, अब रखी भी तो तेरी कच की बनी है, बट्टे की ईंटों से टकरे मारती है तो मुझे लगता है किसी दिन टूट जाएगी। अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह की क्या मर्जी है मेहर साहब? किसी दिन सामने बिठा के देख उसे गौर से, देख शौके के लिए नहीं बनी है वो, ना सोने का बटन है, पुरानी कमीज में ना लगा उसे। आगे तेरी मर्जी है। हाथ क्यों नहीं धोए? आज क्या रोटी नहीं खानी? नहीं खानी। वजह? पता नहीं उसने खाई है कि नहीं। सच बता, पहले कभी तेरे से रुस के रोटी ना खाई हो उसने? पहले कभी चपेट भी नहीं मारी मैंने उसे। वो चपेट नहीं रखी है, सबक है उसके लिए, गैरत की किताब का पहला सबक। पता नहीं ना जी, मेरा उसे पढ़ाना और उसका पढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। रखिए, दो बुरकियां खा ले, शाम को खाऊंगे उसे पास बिठाकर, बुरकी बुरकी करके उसे ये बताऊंगी कि वो चपेड़ नहीं थी शौकिया, सबक था तेरे लिए, गैरत की किताब का पहला सबक। बिस्मिल्लाह करके रोटी खा, बिस्मिल्लाह करके सबक पढ़। बैठ। पर बैठने से पहले मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? अब सारी बातें चाची मुंह दर मुंह फटाफट नहीं होती, कुछ बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना पड़ता है। बोल। अच्छा ये बता, लॉटरी का मतलब समझती है? हाँ समझती हूँ। भला क्या होती है लॉटरी? वो एक खसमानु खानी जो गरीब के नाम की कभी नहीं निकलती। और ना कर चाची, गरीब का यकीन ही घट होता है, वरना लॉटरी निकलते हुए ये नहीं सोचती के सामने चाची बलकीस खड़ी है। मतलब लॉटरी निकल आई है तेरी? ना वो कैसे, मैंने ना पैसा खर्चिया ना टिकट खरीदी, लॉटरी कैसे निकल आई? टिकट है ना तेरे पास, एक नंबर, सुचल यकीन कर ले तो पूरे 5 लाख गिनकर तेरी तली पे रख देगा। कौन? मैर सुरखाब। क्यों? तेरी रखी से शादी करना चाहता है वो। मेहर
नजर खा। नाकी इसे क्यों अंदर आने दिया है तूने? अच्छा लो ए, उठा, फोट यहां से, चल फोट ना। बुखार है सर। तो तेरे लाड से ठीक हो जाएगा ये? किसी नौकर से कह के डॉक्टर के पास भेज दिया होता। कहा था, कहते साथ चलूंगी तो जाएगा। अच्छा अब इतनी बातें कर लेता है? मैं इतनी बातें समझ लेती हूँ। अरे बहुत सिर पे ना चढ़ा इसे, सुतेले के मुंह में सप का ढंग होता है। कई बार समझा चुकी हूँ। क्या और क्या? यही कि सौतेले के मुंह में सब का डंग होता है। जा करमदीन से कह तुझे डॉक्टर के पास ले जाए। जा तुझे मेरी कसम। क्या बात है? अरे नाकी, सरकार का रूप क्यों इतना फिका फिका है? अरे बुलियों पे सुर्खी भी नहीं लगाई, क्या हुआ है? सुर्खी वो लगाए जो दिल की बात होंठों से कह सके। अच्छा हुज्जते करनी आ गई है तुझे? हुज्जते नहीं मेरे साहब, हिम्मत को। बस इतनी हिम्मत आ गई है कि आपसे ये बात कह सकूं कि औरत और चीज में फर्क रखो। मतलब आपकी डब में पैसे, आप खरीदार हो सकते हो पर हर चीज बिकाऊ नहीं होती मेरे साथ। ओए नाकी, किसकी बात कर रही है? नाम लूंगी तो पता चलेगा। ओए उससे तो मैं शरीयत के मुताबिक ब्याह करूंगा। शरीयत में लड़की की मां से ज्यादा लड़की की मर्जी जरूरी होती है। क्या कहना चाहती है तू कि वो नाकी इनकार कर देगी मुझे? हाँ मैं बस इतना जानती हूँ मेहर साहब, अगर उसने बिकना होता तो रोज भट्टे की आग में ना जलती हो, कब की मेरी तरह महंगे कपड़े पहन के सस्ती बीवियों की तरह किसी मेहर साहब का इंतजार कर रही होती। इस कमरे के ऊपर जो कमरा है ना, कल से उसकी सफाई शुरू हो जानी चाहिए। पता है क्यों? ना कि सौदा तय होने वाला है उसका। ऊपर तेरे सर के ऊपर लाकर बिठानी है मैंने। हाँ।
क्या बात है, सड़ मर गई है ना। मैं तो सड़ के बच गई मेरे साहब। सड़ी हुई ने क्या सड़ना और मरना। बस थोड़ी देर के लिए बेचारी पर तरस आ गया। अल्लाह से डर भी लगता है। गरीब की मजबूरी उसे किसी न किसी रात भेज देती है। एक बात याद रखना मेरे साहब, शरीयत से दगा करोगे तो शरीयत हिसाब लेगी। अम्मा, 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 आ गई है। रखी है तू? तुझे क्या हुआ? और वो शौकत अली कहाँ है? कौन शौकत अली? शौक का शौकत अली, और कौन? उसका नाना लिया कर अपने मुंह से। चल तू तैयार हो जा जल्दी से, मेरे साथ जाना है। कहाँ? पीर हाजर शाह के मजार पर। कोई खास बात? मन्नत मांगी है मैंने। खास बात तुझे दीवा बालने के बाद बताऊंगी। रोटी खाई है शौके ने? रोटी तो आज मैंने पकाई ही नहीं। क्यों? मेरी तो रखी है भूखी मर गई है। या खरे मुझे याद ही नहीं रहा। तो मतलब वो जा पहुंचा है वहां? कहां? तू रोटी पकानी भूल जाएगी तो वो खानी नहीं भूल जाएगा। पहुंच गया होगा फूफी के घर। उस खाना खराब को गोली मार, जान खलासी का तमीज पिला उसको। तुझे कुछ और नजर ही नहीं आता? जाकर मजार पर खैर की दुआ कर कि तेरी आई हाजरा को आ जाए। मेरी तरफ से जो उसको रोटी खुआएगा ना, शौका उसी का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शौका रोटी खा रहा है। गाओ गाओ। हाजरा पानी पिला रही है। पिलाओ पिलाओ। शुगर शुगर है तेरा। शुगर शुगर। अब क्या हुआ था? अब कब? पूछ रही हूँ, अब किस बात पर लड़ाई हुई थी? जो रोटी खाने यहाँ तशरीफ लाए? चपेट मारी थी उसने मेरे मुंह पे। हाय मैं मार गई। उसने तेरे मुंह पे चपेट मारी है और तू चुप खड़ा देखता रहा? तो मैं क्या करता? रोक के देता ना तू भी एक उसके मुंह पे। फायदा? उसने दूजी चपेट मार देनी थी। मर्द बन शौकिया, मर्द। मैंने मुछ नहीं रखी ना, इसलिए तुम दोनों कहती हो। मर्द बन शौकिया, मर्द। आ गई चुड़ैल। ओ बासो ना, बुआ ना खोली,
ये हुई ना बात। हाँ मैं उधर से दीवार टप के निकल जाता हूँ। दीवार टप लेना, बुजदिली की हद है ना टपना। अरे की पुत्र क्या हाल है तेरे? मैं बड़े गुस्से में हूँ चाचा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र है। चपेट ना मारी। मेरी तरफ क्या देख रही है? बुलाकर नहीं लाती इसको। तेरे हाथ की चपेट खाए तो मेरे हाथ की रोटी खाने आ जाते, इनकार नहीं कर सकती। आखिर मेरे मामे का पुत्र है। अम्मा सच कहती है, दर दर का कुत्ता है तू। तेरी वफादारी बस रोटी मिलने तक है, तो फिर जा शौकिया। मिठिया सुन, तेरी सिया खा रखी मार के तेरे लिए। शुक्र है मेरे मौला, मामे फूफी की बेटियां नहीं लगती, सकी भैने लगती हैं। सुनिया नहीं, कुत्ता कह के गई है तुझे। तुझे भी कुछ नहीं पता, कुत्ते से डरती है। ओ एक हिसाब लगा कर बता मुझे, ओए अगर चाची मान गई तो क्या अपनी रखी भी मान जाएगी? 5 लाख की रकम बड़ी रकम होती है मेहर साहब। 5 लाख की खबर गरीब आदमी का दिमाग खराब कर देती है। वो ना मने तो मना लेगी वो। कोई मुझे लगता है 13 लाख रुपया डूब गया। ना करो मेहर साहब। ओए कोई अगली गल सोच ले। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रखी ने इनकार कर देना है। आप भी फिर चाची बलकीस को नहीं जानते। रखी का बाप अद्दा बीमारी से मरा था और अद्दा चाची की जिद्दबाजी से। रखी ने अड़ी की तो चाची बलकीस 5 लाख के लिए जहर दे के शौके को मार देगी। तो एक काम कर, जहर देने का 1 लाख रुपया होते दे उसे। मतलब सची मुची शौके को जहर दे दे। ओए जहर खुआ दे, सप लड़ा दे, पर काम पूरा करे। शौका मर गया तो मर नहीं जाएगी रखी? मर जाएगी उसके लिए। कहानी इससे काम भी नहीं है। बड़ी काली जुबान है तेरी पर जाएगी। कुछ गलत शलत कह दिया उन्होंने? कहती है कि रखी ने बिकना होता तो रोजाना पट्ठे की आग में ना जलती वो। लेकिन एक बात रखी भी अपने पल्ले बांध ले, हवेली के हनेरे को रखी का चानन चाहिए। आप हौसला करो मेहर साहब, सुहेर का सूरज तो उगने दो। जा जा के गड्डी में कपड़ा मार, जुबैदा के घर का चक्कर लगाऊं, शरीर तक हौसला करना जरूरी हो गया है। जो गुम्बे साहब जा।
चल 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 इन्हीं कदमों पे मेरे साथ चल। कहाँ जाना है अम्मा? बताया तो था पीर हाजर शाह के मजार पर दुआ करनी और तेरे नाम का दीवा बालना है। तू ही जा अम्मा, मेरे दीवे